बीजेपी वाले देश को बेच रहे हैं। मोदी सरकार मर्दाबाद, खट्टर सरकार मर्दाबाद, ऐसे ऐसे घिनौने काम किए हैं सरकार ने। तन में खून का कतरा कतरा, तब तक हम समर्थन करते रहेंगे। जो यूपी और उत्तराखंड का चुनाव का समय आ रहा है, किसान एकता जिंदाबाद, 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 जय जवान, जय जवान, जय किसान। मोदी सरकार मर्दाबाद, खट्टर सरकार मर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमी नहीं महसूस होने देंगे किसी चीज की भी, अपने भाइयों का पूरा ख्याल रखेंगे। अनाज की है, सब्जी की है, पानी की है, दूध की है, हम किसी चीज का भी वो नहीं करने देंगे। सरकार आंदोलन तोड़ना चाहती है, यहाँ लड़कियां भी छोड़ी हैं सरकार ने आंदोलन तोड़ने के लिए, लेकिन उनकी भी रखवाली करके वापस भेजी हैं। ये ऐसे ऐसे घिनौने काम किए हैं सरकार ने आंदोलन तोड़ने के लिए, हम ब्याह भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या कह सकते हैं इस उसके बारे में, भाई क्या पता ये कहाँ कहाँ तक बात जाएगी। इन्होंने इतने घिनौने काम किए हैं, आका हम उस चीज़ का ब्याह भी नहीं कर सकते, अपने मुंह से कह भी नहीं सकते। और धन्यवाद जी, एक मजबूती के तौर पर यहाँ पंजाब के भाइयों का कवच बन करके धरना शुरू किया था, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जितने भी ये उल्टी सीधी चाले सरकार चलेगी, हम उनको कामयाब नहीं देंगे। खापों का एक विशेष महत्व हरियाणा में है, और मैं सर्वजात या तिल खाप की तरफ से तो कहता हूँ, बल्कि मैं हरियाणा की सभी खापों की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ कि खापों का एक अपना ऐसा संगठन है जो एक कोई भी एक खाप एक आवाज़ देगी हरियाणा में, तो हरियाणा के पूरे खापे एक मंच पर आ जाएंगे। आज हरियाणा की खापों में इस आंदोलन को लड़ने के लिए पूरा जोश है, और जोर पूरे जोश के साथ जोर शोर से हम खापे इस आंदोलन को समर्थन कर रही हैं। और जब तक हमारे तन में खून का कतरा कतरा, तब तक हम समर्थन करते रहेंगे। और किसी की ताकत नहीं है कि हमारे पंजाब के भाइयों की तरफ से कोई ओछी हरकत कर दे, उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पे। और ये उल्टे सीधे प्रचार जो ब्लेम के ये सरकार लगाती है, वो हम समझ चुके हैं, वो इनकी सोची समझी रणनीति है जिसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। धन्यवाद। आज जो हमने ये एक प्रयास किया था ट्रॉली टू ट्रॉली जाने का, झोपड़ी टू झोपड़ी जाने का, हमारे साथ हमारे हरियाणा के वरिष्ठ नेता हवा सिंह जी जैसे भाई साहब थे, अभिमन्यू कुहार जी थे, यशुरा खाप के प्रधान जी भी हमारे साथ रहे। बहुत अच्छा लगा मुझे जिस तरीके से हरियाणा वाले भाइयों ने ये विश्वास दिलाया है कि हम किसी चीज़ की इस धरने को, इस प्रदर्शन पे कमी नहीं आने देंगे। मैं बार बार धरने इस हरियाणा के भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बार नहीं, आज ही विश्वास नहीं दिलवाया, उन्होंने तो पहले से 26 जनवरी के बाद भी यहाँ तक आकर कहा कि हम आपके कवच बनकर काम करेंगे, और करें कहा ही नहीं, किया भी, और सामने रहे हैं, मैदान पे रहे हैं ये भाई। इनका सभी हरियाणा वाले भाइयों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में यहाँ आज एक बात सामने आई कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई ये पूछना चाहते थे कि आगे की रणनीति क्या है। हमने वो रणनीति पे जो बात है, मैं आप आज इस किसान एकता मोर्चा के मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सभी भाइयों को सुनने वाले देखने वालों को भी बता दूँ कि देखिए, ये सरकार जिस भाषा को समितिया उसको उसी भाषा में जवाब देने का अब मोर्चे ने फैसला ले लिया है। आने वाले समय में जो यूपी और उत्तराखंड का चुनाव का समय आ रहा है, उसके लिए प्रोग्राम लिखा जा रहा है। बहुत बड़ी पंचायत होगी यूपी में, जिसमें लाखों किसान इकट्ठे होंगे, वहां से शुरू करेंगे, और यूपी के अलग अलग गांव में, अलग अलग इलाकों में घूमेंगे, वहां पे लोगों को बताएंगे कि जिस किस तरीके से ये बीजेपी वाले देश को बेच रहे हैं, किस तरीके से देश विरोधी नीतियां लाकर देश की बर्बादी कर रहे हैं। जो जिन जिन लोगों ने अपने आप को कभी ये कहा कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, उसने देश को कहां पे पहुंचा दिया, एक एक बात लोगों को बताएंगे, तब पता चलेगा कि लोग इनको के जो 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 भाषा ये समझते हैं, वो भाषा हम बोलनी जानते हैं, वो समझानी जानते हैं। ये हमारा आगे की रणनीति का हिस्सा है, और समय समय में उसके अंदर और भी कुछ प्रोग्राम जो
संयुक्त मोर्चे में फैसले होंगे वो भी देते रहेंगे। जैसे पीछे चंडीगढ़ का प्रोग्राम आया था, वो प्रोग्राम ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया सरकार को, जो बार बार इनका आईटी सेल ये कहता था कि किसानों के जो नौजवान थे वो इस आंदोलन से टूट चुके हैं। वो नौजवानों ने 26 जून को साबित कर दिया कि नौजवान टूटे नहीं, नौजवान समझ चुके हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो हमारे बाप, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे दादा आंदोलन पे बैठे हैं, वो उन्हीं के लिए सब बैठे हैं, वो समझते हैं, समझ चुके हैं। ये समझते हुए वो हमारे बच्चे हमारे से आगे आकर उन्होंने वहाँ पे वो जो एक्शन किया उसे सफल बनाया, वो उन्होंने सिद्ध कर दिया। और सरकार को भी वो मैसेज जा चुका है कि पूरा देश अब भी नौजवान किसानों के साथ है, इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। जब सरकार को यहाँ किसी तरह की कोई हरकत हो का समय आएगा, वो वापस इस आंदोलन में आकर उसी तरह मौका संभालेंगे जैसे पहले संभालते रहे हैं। किसान एकता जिंदाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।